शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़ जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का एक हिस्सा है, इसकी गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन, प्रिंसिपल और यहाँ पर सभी नौजवान विद्यार्थियों, सबसे पहले तो मैं आप सबको इनैक्टस वर्ल्ड कप की जीत पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये सचमुच में आप सब ने एक इतिहास रचा है और इस इतिहास का सचमुच में अगर कोई हकदार है तो आप सब लोग। इतिहास तो आप लोगों ने रचा है लेकिन नाम भारत का हुआ है। जिस काम को लेकर के आप चल रहे हैं, काम अच्छा है, काम कठिन भी है। तीन प्रोजेक्ट्स के बारे में आपने जानकारी दी, राहत, उड़ान और खिड़की। प्रोजेक्ट कोई भी हो, उसका नाम कुछ भी हो, लेकिन उसके पीछे मंतव्य हमारा क्या है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज देश में लगभग हमारी जो जनसंख्या है उसका 60-65% जो है दे बिलोंग टू द यूथ कैटेगरी। और यूथ ही वो होता है जो कि सही दिशा में चल पड़े तो जाने क्या नहीं क्या कर देता है, और अगर गलत दिशा में जाए तो वो भी क्या से क्या कर देता है। ये यूथ की एक ऊर्जा होती है अपनी, उस ऊर्जा को सही दिशा में ले जाना वो नेतृत्व का काम होता है, कॉलेज के प्रिंसिपल का काम होता है, गवर्निंग बॉडी के सभी मेंबरान का काम होता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो बात कही जाती है वो बात उससे हम कन्विंस हों। अगर कन्विंस हम होते हैं तो वो फिर बात हमारी अपनी हो जाती है। कभी कभी गांधी जी कहा करते थे कि जिस बात को हमने स्वीकार कर लिया, सत्य की बात करते थे, सत्य और असत्य की, अहिंसा की, तो वो जब ये कहते थे कि भई ये हमारा प्रोपोजिशन नहीं है, सत्य की जो हम बात करते हैं ये हमारा प्रोपोजिशन नहीं है, हमारा कंसेप्ट नहीं है, ना ही हमारा कंसेप्ट अहिंसा का। यदि आपने उस कंसेप्ट को स्वीकार कर लिया तो वो कंसेप्ट फिर आपका हो गया, उसको फिर ये मत कहिए कि गांधी जी का कंसेप्ट। इसलिए मैं इसको बात को जानबूझ करके आपके समक्ष रख रहा हूँ कि यदि आप लोग कन्विंस हैं वाकई में कि यू हैव टू प्ले अ डिसाइसिव रोल इन द फ्यूचर, देन यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। और अगर आपको लगता है कि नहीं, हमें हमारे माँ बाप ने हमारे ऊपर इतना खर्चा किया है, शादी भी होनी है, परिवार भी बसाना है, जैसे दूसरे लोग करते हैं उसी तरीके से हमें भी चलना है, तो फिर उसका तो एक सीधा सा रास्ता है, आप भी नौकरी ढूंढिए। नौकरी मिल जाएगी, अच्छी से अच्छी नौकरी मिलेगी, उसमें लग जाइए। और जो ज़िंदगी का एक, जिसको हम कहते हैं रिचुअल्स होते हैं, वो फिर सब फॉलो करते हुए चले जाएंगे। लेकिन उसमें भी आप देखोगे लास्ट में, एंड में, यू विल नॉट फील सो मच सेटिस्फाइड एज यू फील सेटिस्फाइड फॉर डूइंग ए सर्विस टू द कॉमन मैन। आप इसको कभी अनुभव करिएगा। आप किसी को, आपके पास पैसा है, पैसा आप दे दीजिएगा, शायद उससे वो उतना खुश नहीं होगा जितनी कि आप उसकी यदि सेवा कर सके जो ज़रूरतमंद है। आज देश में आप सभी नौजवानों की जो एक पॉजिटिव सोच रखने वाले हैं उनकी ज़रूरत है।
And it is the positivity which can lead you to the highest. कभी कभी मैं उदाहरण कल मैं हैदराबाद में था तो मुझे ध्यान आ गई कुछ चीज़ें एक छोटे से विद्यालय में गया वहाँ पर मैंने जिक्र किया अब्दुल कलाम साहब का और वो बच्चे जिनके साथ मैं कल इंटरेक्शन कर रहा था बच्चे ही थे हायर सेकेंडरी लेवल के थे उनको मैंने कहा कि अब्दुल कलाम साहब ने ही हैड सेट अ प्रेसिडेंट फॉर ऑल द यूथ कैसे उन्होंने कितनी तकलीफ सह करके ही यूज़ टू उनके परिवार वाले इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि उनको कॉलेज में एजुकेशन दिलाए तो उन्होंने एक वे आउट निकाला हम अखबार बेचेंगे रामेश्वरम तमिलनाडु का एक हिस्सा है वहाँ पर वो अखबार बेचते थे सुबह अर्ली मॉर्निंग में उससे जो पैसे कमाते थे उससे वो कॉलेज की फ़ीस भरते थे और डेली रामेश्वरम जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट है रामनाथपुरम दैट इज़ अबाउट 18 to 20 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम रामेश्वरम वहाँ पर जाने के लिए उनके पास बस के लिए पैसे नहीं होते थे ट्रेन जाती है ट्रेन के पैसे नहीं होते थे ही यूज़ टू गो ऑन बाइसाइकिल अब आप सोचिए कि 18 किलोमीटर जाना और 18 किलोमीटर वापस आना लगभग 40 किलोमीटर पर डे एक स्टूडेंट आप जैसे स्टूडेंट रहे होंगे वो कॉलेज जाते थे सुबह अखबार बेचते थे पढ़ाई करते थे तो उनके पास था क्या कभी कभी मैं सोचता हूँ कि क्या चीज़ थी जो कि इस यहाँ पहुँचना वो बात दूसरी है बट ही वॉज ए वर्ल्ड क्लास साइंटिस्ट ही वॉज अ मिसाइल मैन ही स्टार्टेड हिज सर्विस हिज करियर एज ए साइंटिस्ट DRDO में साइंटिस्ट रहे बाद में प्रधानमंत्री के साइंटिफिक एडवाइज़र रहे वो सब होते होते यहाँ तक पहुँचे मैंने उसका जिक्र इसलिए किया उन बच्चों को मैंने कहा कि आप जहाँ पर खड़े हो आज की तारीख में वही मैं आप सबके लिए भी दोहराता हूँ आप जहाँ खड़े हो यू स्टैंड एट बेटर फुटिंग आप दिल्ली जैसे शहर में के रहने वाले हो कुछ लोग बाहर के भी हैं आपको आपके माँ बाप या आपका जो एक फैमिली सपोर्ट है वो बहुत बड़ा है आप मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी को अखबार बेचना पड़ा हो मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी को साइकिल पर जो है वो 20 किलोमीटर डेली जाना और 20 किलोमीटर आना अभी तो मैं मान के चलता हूँ कोई 10 किलोमीटर भी नहीं चलता 5 किलोमीटर भी नहीं चलता पैदल तो कोई चलता ही नहीं है ये बातों का मैंने केवल एक इसलिए उल्लेख किया उसको आप ध्यान में रखिए Forget who is the Prime Minister, who is the President. Your role is much bigger. हम लोगों का रोल है एक एजेंडा फिक्स है We have to go by that. लेकिन जो भारत का भविष्य है आप भारत के भविष्य हो आपको क्या करना है ये आपको अपने आप निर्णय लेना कोई नहीं और एक चौराहे पर आप खड़े होंगे चौराहे एक दुविधा द्वंद होता है उस द्वंद से निकलने का एक रास्ता तो कोई नहीं बता सकता वो रास्ता आपको अपने आप खोजना पड़ेगा लेकिन ये पॉजिटिविटी में आप जीते हैं तो रास्ता आपको जो भी रास्ता मिलेगा वो अच्छा ही रास्ता मिलेगा आपने ये बहुत एक वर्ल्ड कप जीता है मुझे बड़ी खुशी हुई आप सबसे मिलकर के लेकिन मैं चाहता हूँ कि जिसका मैंने उल्लेख किया थोड़ा संकेत दिया कि 65% है आज देश की एम्प्लॉयमेंट इज़ गोइंग टू बी द बिगेस्ट प्रॉब्लम और उस बहकावे में यदि हम सब आ गए आने वाले नहीं हैं बहकावा का मतलब ये कि जो ऊंची आवाज़ में बोलने वाले नौकरी दो नौकरी दो नौकरी दो
आज आपकी वो स्थिति नहीं है, नौकरी दो. यू कुड बी रादर यू सर्विस प्रोवाइडर, जॉब नॉट द जॉब सीकर बट द जॉब गिवर. और वो इसलिए क्योंकि जब आप मांगोगे तो फिर आप मांगने वाले ही बनोगे. और मांगने वाले वो होते हैं जिनकी कि जो निगेटिविटी होती है ना, उन्हीं को आप देखोगे. दोज हु लिव इन निगेटिविटी. पॉजिटिविटी में देखोगे तो आप अपने लिए तो ज़रूर कमाओगे और उसके साथ ही साथ आपको लगेगा नहीं नहीं मैं तो इसके साथ और भी लोगों को जोड़ सकता. मुझे लगता है मैं गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन साहब बैठे हैं प्रोफेसर अनिल कुमार राय, इस पर एक आप डिस्कोर्स करिए इस इशू को लेकर के जो मैंने इशू रेज किया. इन बच्चों की तो नौकरी कहीं पर भी लग सकती है और लगेगी, लेकिन इन्हीं में से कुछ बच्चे ऐसे निकल सकते हैं तो मुझे लगता है कि शायद आप कहाँ से कहाँ इन बच्चों का भविष्य नहीं बल्कि देश के लिए आप क्या कर सकते हैं, जिसको मैं कभी कभी ये कहता हूँ कि वी विल हैव टू पे बैक टू द सोसाइटी. हम जो भी हैं जहाँ पर भी हैं, सोसाइटी इंक्लूड्स आवर पेरेंट्स, आवर फैमिली रिलेटिव्स, आवर फ्रेंड्स, हमारे पास पड़ोसी, हमारे मित्र, सभी लोग. आपने देखा होगा कभी कभी किसी ने पूछा था कि आप जब सोसाइटी बैक की बात करते हो, वी हैव टू पे बैक टू द सोसाइटी, और मेरे उसमें तो कुछ भी नहीं. तो मैं कहता था कि यदि आप कभी कभी यूनिवर्सिटी जाते हो, एक जो थ्री व्हीलर वाला है ना, जिस दिन आपका पेपर हो और पेपर पर वो थ्री व्हीलर वाला पहुँचाएगा, पैसा तो लेगा, ज़रूर ले रहा, लेकिन अगर उसने ईमानदारी से आपको पहुंचा दिया और 10 मिनट पहले पहुंचा दिया तो मुझे लगता है वी शुड बी थैंकफुल टू हिम. एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ हिम दैट यू आर अपियरिंग एट योर पेपर एज शेड्यूल्ड. कल्पना करिए अगर वो ना पहुंचाता, कोई भी ना मिले आपको, हाउ कैन यू से कि आप जो भी हैं आज वो आप अपने बलबूते पर हैं? नहीं, आप राइट फ्रॉम मॉर्निंग टिल लेट इन द इवनिंग यू विल फाइंड एवरीबडी इज़ एट योर कमांड, एवरीबडी इज़ असिस्टिंग यू. यही सोसाइटी है एंड देयर फोर अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाइज ऑन अस, जिसको हम कहते हैं ये सोसाइटी का हमारे ऊपर कर्ज है. उसको पेमेंट करना है, पे बैक करना है, कैसे करना है, आई लीव इट टू यू. थैंक यू वेरी मच.